दोस्तों मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है जो लोग अभी मान लीजिए दोस्तों आपको अपने दूसरे व्हाट्सएप नंबर पे आपके फ़ोन में जितने भी नंबर्स वगैरह हैं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके नंबर्स वगैरह हैं, उन सभी को शेयर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है कि अक्सर ये लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं उसके बाद भेजते हैं, या फिर एक एक नंबर को सेलेक्ट करना होता है, एक एक नंबर को कॉपी करने के बाद भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा देखते रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी फ़ोन नंबर्स वगैरह हैं उन सभी को दोस्तों आप एक ही बारी में आप सारे नंबर्स को आप अपने व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देख रहे हैं हाईटेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका डायलर जो है उसको आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको चले जाना है अपने कॉन्टैक्ट्स में जहाँ पे आपके सारे फ़ोन नंबर्स वगैरह सेव होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ गाइस, अगर आपका भी एमआई का फ़ोन है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका दूसरा फ़ोन है फिर भी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी फ़ोनों में सेम सेटिंग्स होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन आपको ये सेटिंग ढूंढ लेना है ठीक है अपने फ़ोन में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स का जहां कहीं भी दिख जाए उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो ये रहा हमारा थ्री डॉट्स का बटन, तो यहां पे इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों यहां पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शेयर कॉन्टैक्ट्स का। अगर दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पे आपको काफी सारे ऑप्शन आ गए हैं जहां पे आप अपना जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह है उसको शेयर कर सकते हो। तो यहां पे हमें व्हाट्सएप में शेयर करना है, तो व्हाट्सएप के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। उसके बाद आप जिस किसी को भी सेंड करना चाहते हो उनको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अपने ही दूसरे नंबर को सेंड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इस नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली सेंड के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे जो सारे जो कॉन्टैक्ट नंबर थे मेरे फ़ोन में जितने भी सेव थे वो सारे के सारे वहाँ पर जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो यहाँ पे वी वॉल के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हो सारे जितने भी नंबर मेरे फ़ोन में थे वो सारे चले गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसको लाइक जरूर से कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँ आप जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।